कुछ ऐसा लोकेशन है, यहाँ पे पार्किंग की पूरी व्यवस्था है और अभी मौसम भी अच्छा हो रहा है। अभी ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप आते हैं तो पूरी पार्किंग की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। हम लोग टहलने निकले हैं, पूरा पाथवे है ऐसा कुछ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। और इधर इन लोग अभी चारा डाल रहे हैं यहाँ पे बतख। आटा डाल रहे हैं इधर से और देखते हैं अब बतख लोग क्या करते हैं। और वो चिड़िया तो उड़ के जा रही है, मछली पकड़ रहे हैं, ये देखते हैं उसके मुंह में मछली है गाइस। दिखा बतख का घर, तो यहाँ पे उन लोग को चारे वारे डाले जाते हैं और यहाँ पे उनको चारे मिलते हैं। और अभी इन लोग नहाए थे तो अभी इन लोग रिलैक्स कर रहे हैं, यहाँ पे सन बात ले रहे हैं यहाँ पे इन लोग आराम से, और क्या बोलते हैं अपने आप को पोछ रहे हैं। और सुंदर चीज़ हमको दिखी, एक तैरने वाला बोट जो कि ऐसा है, मतलब नॉर्मली बोट्स अलग टाइप के रहते हैं लेकिन ये ऐसा बोट है और ये तैरते हुए बहुत ज़्यादा मस्त दिखता है और ये रात को चालू होता है। बहुत सुंदर लोकेशन है, पिछली बार जब मैं व्लॉग बनाने आया था तो ये बन रहा था लेकिन अभी बन चुका है, तो फास्ट कंस्ट्रक्शन हुआ है इसका। और यहाँ पे सीढ़ी है लेकिन इसको बच्चे लोग स्लाइड से ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखिए पूरा स्लाइड जैसे हम फिसलने के लिए, मतलब देसी जुगाड़ स्लाइड का। फर्स्ट टाइम ट्राई किया एकदम देसी जुगाड़ वाला स्लाइड, लेकिन मज़ा आया। और पूरा इन लोग दे, ये सीढ़ी है वैसे तो, इन लोग पूरा स्लाइड बना लिया इसको। हम लोग स्लाइड करके आ चुके हैं और इस साइड बहुत ज़्यादा खाने पीने के आइटम्स, मतलब इबैको और जो अंकल पीटर्स पैनकेक्स ये सब खुल रहे हैं यहाँ पे, तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे ये सब का भी इंजॉय कर सकते हैं हम लोग। मतलब यहाँ पे ये भी खुलने वाला, अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी शॉप्स चलेंगी लेकिन अभी ये जल्दी से खुलने वाले, ओपनिंग सून लिखा है। पाइन ट्रीज लगे हुए हैं बड़े बड़े, कोकोनट टाइप ही दिख रहे थे लेकिन ये पाइन ट्रीज है। और इस साइड लगे हैं कोकोनट ट्रीज पूरे लाइन से इधर, तो ये और ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू बनाते हैं इसका और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पाइन ट्रीज बड़े भी हो गए बहुत ज़्यादा। यहाँ पे नमक सत्याग्रह गांधी यात्रा चल रही है, यहाँ गांधी जी चल रहे हैं, उसके पीछे सब लोग चल रहे हैं, ये देखिए। तो गाइस यहाँ पे अच्छा एरिया है ग्रास का, इसमें बच्चे लोग खेल सकते हैं बैडमिंटन, फुटबॉल और मस्ती भी कर सकते हैं, जैसे मिनी लोग ये कर रहे स्टंट, क्या बोलते रहे इसको, कार्टवील, इसको कार्टवील बोलते हैं। मनु को आता है क्योंकि मनु डांस क्लास जाती है और मिनी तो ऐसे ही सीख गया अपना खेलते गिरते पड़ते। गाइस अभी हम लोग आए हैं गार्डन में और यहाँ बच्चों के मस्त मस्त झूले भी हैं और ये भी है, जिम के एक्सरसाइजेस भी दिए गए हैं यहाँ पे पूरे। और मनु अभी ये लटक रही है, मनु एक और बार लटक के दिखा, चलो देखते हैं मनु कैसे करती है। और नीचे रेत है तो नहीं लगता है इसमें। और इस टाइम पूरे इस साइड पूरे जिम एक्टिविटीज है, जैसे ये है और भी बहुत सारे जिम एक्टिविटीज़ यहाँ पे लगे हुए हैं, तो सब लोग जिम भी कर सकते हैं यहाँ पे। के बाजू में जस्ट एक और पार्क है, यहाँ पे झूले तो नहीं लगे लेकिन ओपन में हम लोग आराम से खेल भी सकते हैं। फिर हम लोग गाइस गार्डन से खेल के आ गए और यहाँ पे स्प्री फूड लैब्स है और यहाँ पे मस्त खाने पीने का है, तो ये खुलेगा, अभी तो वैसे सुबह हम लोग आए हैं तो अभी नहीं खुला, शायद ये शाम को खुलता है
और बहुत ज्यादा अच्छा है वैसे खाने पीने के लिए ये। गाइस आज हम लोग ने घूमा पूरा मरीन ड्राइव, बहुत ज्यादा मजा आया, खेले कूदे नाचे हम लोग, बहुत ज्यादा मजा आया। और एक देसी जुगाड़ वाली स्लाइड भी मिली जिसमें तो फुल मजा किया। कैसा लगा मनु आज? बहुत बहुत अच्छा। उन लोग तो अभी वहाँ पे हैं, उन लोग अभी वहाँ पे खेल रहे हैं मिनी और बब्बू लोग। तो आज हम लोग पूरे परिवार के साथ आए थे, मतलब मामा पापा और मिनी बब्बू मनु और मैं आए थे, तो फुल मजा किए हम लोग यहाँ पे। पापा और मामा लोग भी वॉक किए और बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे स्लाइड्स थे, गेम मतलब झूले थे खेलने के लिए। तो सबसे बेस्ट और व्यू तो बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा था क्योंकि नदी थी, और हमने मछलियों को आटा भी दिया, हमने डक्स भी देखे। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, उसके बाद जो वाले बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।